मिलिए मुझसे, मैं हूँ हृष्ट-पुष्ट पृथ्वी 1970 की। सोचना है क्या, जो होना है होगा, चल पड़े हैं फिक्र यार धुए में उड़ाते, जाने क्या होगा हमारे। अर्थ 2010 का, आज का अर्थ, द मोस्ट डेवलप्ड, अपने 7 करोड़ सालों के जीवन काल में सबसे डेवलप्ड अर्थ, अर्थ 2010। जो खांसे ही जा रहा है। अर्थ में अर्थ 2010 का, 2010 का अर्थ। हाँ, मुझसे मिलो, मैं हूँ 1970 की पृथ्वी। ओ, 1970 की पृथ्वी, इसलिए बहुत बोल्ड स्टाइल की लग रही है। तुमसे तो सुंदर ही हूँ, खुद देखो पॉल्यूशन से कितने काले पड़ गए हो। ये देख कितना स्मार्ट हूँ मैं, और तू देख ओल्ड स्टाइल की पृथ्वी। आज देख लोगों के पास सब कुछ है, मोबाइल, कैमरा, इंटरनेट, सब कुछ। तेरे टाइम पे क्या था? कुछ भी नहीं। मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सब कुछ है आज हमारा। मेरे पास सुख था, शांति थी, स्वच्छ वायु था, जल थी। अब तुम पे क्या है? डेवलपमेंट तो दिख ही रही है, ग्रोथ हो ही रहा है, ग्रोथ, इन्फ्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। इसे कहते हो तुम ग्रोथ? तो ये ग्रोथ नहीं है। 40 साल में 400% का ग्रोथ किया है हम लोगों ने, ठीक है। आज की पृथ्वी सबसे ज्यादा डेवलप्ड पृथ्वी है, और तेरे टाइम पे क्या था? चल देख लेते हैं तेरे टाइम पे क्या था। अच्छा था कि उस समय मैं नहीं था। जल्दी दिखा, अगर कुछ दिखा सकती है। चलो चलो, दिखाती हूँ मैं अपने समय। हाँ, जल्दी, वैसे मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं। चलो चलो। बहुत थक गए, खाना है, भूख लगी है। जी जी, अभी लाई। क्या बनाया है? मक्का की रोटी के सरसों का साग। बहुत तेज भूख लगाई हमें, क्या सुगंध आ रही है। आहा, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत खा चुके। हमारी चादर लाओ, हमें सोना है। अभी लाई। जय सियाराम। देखो देखो, ये था हमारा समय, जहाँ लोग मेहनत करके चैन की नींद सोते थे। इसे तो चैन की नींद कहती है क्या? ये चैन की नींद है? चैन की नींद तो 2010 में लोग सोते हैं। आओ मैं तुम्हें और दिखाऊं। जल्दी चलो, चलो जल्दी। ये क्या कर रही है? पेड़ लगा रही हूँ मैं। अपने जन्मदिन पे हर साल एक पेड़ लगाती हूँ। हाँ, हर साल एक पेड़ लगाती है। हाँ, अब से हर साल मैं भी एक पेड़ लगाऊंगा अपने जन्मदिन पर। देखा, हमारे समय में लोगों को पर्यावरण से कितना प्यार था, और तुम्हारे टाइम में पेड़ ही कटे जा रहे हैं। एक सेकंड, अरे पेड़ तो लगाए जाते हैं काटने के लिए, ताकि नई नई चीजें बन सके, नए नए फैक्ट्री लग सके, नई नई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके। तो क्या हुआ, इसमें कौन सी नई बात है? अगर तेरे को देखना है कि लाइफ स्टाइल क्या होता है, देखना है कि लोग कैसे जीते हैं, कैसे खुश रहते हैं, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, अगर तेरे को देखना है, देख 2010 में लोग कैसे देखते। कैसे है यार? मास यार, और तू बता? बिल्कुल बढ़िया। कहाँ था इतने दिन? बस घर पे था यार, खाली करते थे। मैंने सुना है नई गाड़ी लिया तुमने, BMW ली है X5। यार उसका एवरेज कितना है? अबे एवरेज से क्या कर रहा है यार, पेट्रोल डलाओ, गाड़ी चलाओ। पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन से कुछ नहीं लेना देना अपने को यार, गाड़ी चलानी है, मौज करनी है। वैसे भी अपने बाप पे कह जाता है। देखो अब और भी देख लेते हैं। अरे मिसेस गुप्ता, आपको पता है इन्फ्लेशन ने तो तौबा बोल रखी है। सही में बहुत ही खराब समय आ गया है। लाइफ की भी इतनी समस्या है ना, फ्लक्चुएट हो जाती है। बच्चे भी तो पढ़ते नहीं है ना बिना। मालिक, अरे कल बोला था ना पेड़ काटने को, काटा क्यों नहीं आपका? अरे मेरी चौथी गाड़ी आ रही है, तीन लोगों के लिए तीन गाड़ियाँ बहुत कम करती है। कभी कभी एक्स्ट्रा भी चाहिए रहती है,
इसलिए ट्रॉल की गाड़ी की पार्किंग के लिए वेट कर रहा हूं। वैसे बहुत पुराना है, 10-20 साल से है यहाँ पे। काटो काटो जल्दी काटो। जी बिल्कुल। क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं क्या लगता, मच्छर काट रहा है। मच्छर मच्छर नहीं है तो? पेड़ कट रहे हैं, तुम्हें दर्द हो रहा है। पेड़ कट रहे हैं तो मुझे क्यों दर्द हो रहा है? और ये सब दिखा के तो मुझे क्या क्या शो करना चाहती है? ये लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल आजकल के लोगों का। आजकल के लोग ऐसे ही खुश रहते हैं, उससे मुझे क्या? खुश रहते हैं, चैन से सोते हैं, ऐश करते हैं, ठीक है। और भी देख लेते हैं तुम्हारे जमाने में क्या है। ओए अरे यार कहाँ थे तुम? तू कहाँ गया था? अरे डीएस गया था मैं। डीएस कहाँ गया था? नहीं गया था। सस्टेनेबिलिटी, साफ सफाई, पर्यावरण का संरक्षण, वहाँ पर गया था। वहाँ पर गया था। बाद में मैंने भी पढ़ा था सस्टेनेबिलिटी। क्या पढ़ते रहना, बस काम मत करना। क्या है ये सस्टेनेबिलिटी? साफ सफाई होती है। साफ सफाई साफ सफाई साफ सफाई चलो। लोगों की साफ सफाई कितना साफ है ना ये। ठीक है, लोग गंदा करते तो करते हैं, बाद में साफ हो जाएगा। यस, और भी देख लो। Why, sir? But it's a long-term effect, sir. But you have a look at this. मैं तो चल रहा था उसका नहीं नहीं कर रहा था। What is sustainability? I don't understand sustainability. Show me money, show me profits. Only then maybe we can discuss something. इधर को आ रहा था ना? Understand business. अभी जब शुरू होने थे। अब क्या कहना है तुम्हारा? हमारे को क्या कहना है? क्या ऐसा तो होता होगा? कौन था? ये यही industrialization है? कुछ लोग प्लस में, कुछ लोग माइनस में। पता नहीं क्या कर रहा था। और मैं क्यों इस सब के बारे में सोचूं? लोग खुश है ना, लोग आराम से सो रहे हैं ना, बस यही मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो चलो आगे देखे। आगे कुछ है? हाँ हाँ देखो। अरे इतने परेशान क्यों हो भाई? मत पूछ यार। क्या हुआ? हाइपरटेंशन यार, दिमाग खराब है। क्यों? गर्लफ्रेंड भाग गई। किसके साथ? दूध वाले के साथ। कैसे? साइकिल थी यार उसकी। साइकिल? BMW और साइकिल। परेशान मत हो भाई, ये तो होना ही था। क्यों होना था यार? ये सब साइकिल को चाहते हैं, BMW को कोई नहीं चाहता। सही बात है यार। बोलो अब क्या कहोगे तुम? क्या कहूँ, मतलब ऐसा ही चलता रहता है। बार बार मुझे ये सब क्या दिखा रही है तू? लोग खुश है ना, देख बहुत हो गया। ये लोग खुश है, आराम से सो रहे हैं, ऐश कर रहे लाइफ में, और क्या चाहिए? और ऐसा तो होता ही रहता है यार। इन सब चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अर्थ, मेरी लाइफ लॉन्ग बहुत लंबी है। और ऐसे तो लोग आते रहते हैं, अपने हिसाब से काम करते रहते हैं, मैं क्यों इन सब के बारे में सोचूं? हाँ हाँ, देख लिया तुम्हारा टाइम, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है, चैन की नींद के लिए लोगों को स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है। ये था तुम्हारा टाइम। देख बहुत हो गया, मैं बहुत सेंसिबल किस्म का और तुम? हाँ बहुत सेंसिबल किस्म का और तुम है। मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, ठीक है। मैं देख, व्हाई शुड आई बॉदर अबाउट दिस थिंग्स? पीपल आते हैं, लोग आते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिविलाइजेशन आती रहती है, जाती रहती है। अर्थ को क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। अर्थ तो जैसा है वैसा 24 घंटा घूमता रहता हूँ मैं। दैट्स इट। तुमने कभी अपना फ्यूचर सोचा है? सोचा क्या, मैं जानता हूँ 7 करोड़ के अभी तक मेरी एज हो गई है, 7 करोड़ और है, और क्या। चलो तुम्हारा फ्यूचर ही देख लो। चलो चलो तुम्हारा फ्यूचर दिखाते हैं। मेरा फ्यूचर? तुम्हें ये क्या हो गया भाई? सब लोगों की वजह से आज मैं नहीं यार, तो मर नहीं सकता। नहीं मैं मरना नहीं चाहता। देखा, अगर तुम अब नहीं समझे ना, तो ये तुम्हारा फ्यूचर हो सकता है।
मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। मैं 40 साल में नहीं मरना चाहता, मैं कम से कम 4 करोड़ साल जीना चाहता हूँ। मैं 40 साल में मरना नहीं चाहता, प्लीज। चलो चलो, बाहर में कहीं डेवलपमेंट, बाहर में कहीं लग जाए क्योंकि वो मैं मरना नहीं चाहता। एक ही सलूशन है, कौन? एक ही इंसान है, कौन? जो हमें इन सारी समस्याओं से बचाएगा। कौन? बाबा रामदेव। चलो उनके पास चलें। बाबा 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 भाई, कौन भाई? बाबा बाबा मैं फरियाद लेके आऊँ। बाबा क्या फरियाद बेटा? करने से होता है, योग करो, योग करो। बाबा ये योग करने से भी नहीं हो रहा बाबा। श्वास अंदर श्वास बाहर हर चीज होगी। नहीं हो रहा बाबा, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बीमारी हो गई बाबा मुझे। बहुत क्या हुआ है तुझे? बहुत बड़ी बड़ी बीमारी, हर चीज ठीक होगी बेटा। बैठ जाए एक बार, योग कर, योग। बाबा बैठ गया बाबा, नहीं हो रहा। बाबा 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 मैंने सुना कि आप 180 साल जीने वाले। योग की शक्ति, 180 साल जीने वाला हूँ मैं। लेकिन बाबा आप 180 साल कैसे जी सकते हो बाबा? मैं खुद 50 साल जीने वाला था, मैं अर्थ हूँ, अर्थ 50 साल। बाबा ये आपका आश्रम, आप खुद मुझ पे बैठे हुए हो। क्या कह रहे हैं? हाँ बाबा मुझे बचा लो बाबा, मुझे 3 बड़ी बीमारियां लग गई है। क्लाइमेट चेंज। हाँ बाबा, ग्लोबल वार्मिंग। हाँ बाबा, पॉल्यूशन। हाँ बाबा, मुझे इन सब बीमारियों से बचा लो बाबा, प्लीज बचा लो बाबा। तूने टेरी का नाम सुना है? नहीं बाबा। कभी तेरी हालत है, बताओ। उठ जा, बचा लो बाबा, बचा लो। टेरी के दर्शन करा दे बाबा। टेरी की एटमॉस्फेयर में बहुत अच्छा लग रहा है बाबा। अच्छा लग रहा है, और अच्छा लगेगा। क्या दे रही है बाबा? हम टेरी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में सस्टेनेबिलिटी के बारे में सिखाया जाता है। सस्टेनेबिलिटी के बारे में, एमटेक तक, एमएससी से लेके एमए तक, हर कोर्स में सस्टेनेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट। देखा तूने? इसे क्या होता है बाबा? बेटी ये क्या है? सोलर लैंटर्न है बाबा। बाबा ये ना सूर्य की किरणों से चार्ज होता है और ये बिना केरोसिन के चलता है, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता। कोई पॉल्यूशन नहीं होता, कोई केरोसिन यूज नहीं होती। नहीं, देखा तूने? ऐसे पोल्यूशन खत्म होगा, ऐसे बच जाओगे पोल्यूशन से। बिल्कुल बच जाएगा। क्या बात है बाबा? पहले शासन के बारे में, ये देख, ये क्लीन बिल्डिंग है, ग्रीन बिल्डिंग। ये कैसा बिल्डिंग है बाबा, जिसे कहते हैं ग्रीन बिल्डिंग? अच्छा ग्रीन बिल्डिंग, गेट क्या है बाबा इसके? देखा तूने? 40% एनर्जी सेव करते हैं ये लोग। क्लाइमेट चेंज से बचा हुआ, बिल्कुल बच जाएगा। आजकल मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, कहीं भी बारिश हो जाती है, कहीं भी धूप पड़ जाता है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। आपकी मदद करेंगे हम। हाँ बाबा, लेकिन बाबा पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा बाबा कि बाकी सब लोगों को सब कुछ बहुत कुछ समझ में नहीं आया बाबा, कुछ अलग स्टाइल से समझाना पड़ेगा। आओ मिलकर समझाएं इन लोगों को, अलग स्टाइल से समझाएंगे बाबा। बिल्कुल आ जा बाबा, आप मत जाओ इधर।